हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। पहले वीडियो का एंड यहीं पे किया था और दूसरा वीडियो यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। तो चकली का आटा मैंने कैसे लगाया आपने पहली वीडियो में देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिए ताकि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। तो ये आटा मैंने 1 घंटे पहले लगा कर रख दिया था, तो इसे अब थोड़ा सा मैंने नरम कर लिया थोड़ा सा पानी डालकर। और ये ले लिया है चकली बनाने वाला छाछा। इस चकले के छाछे में ना 4 प्लेटें रहती है, तो हमें उसमें से एक ही जो बड़ा होल उसमें रहता है वही प्लेट ले लेना है और इस छाछे में हमें उसे फिट कर देना है। अब हमें बटर इसमें डाल देंगे और ये ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, फिर बाद में मैंने गैस धीमी कर दी है। अब इस ऑयल में हमें इस तरह से दबाते हुए ये बटर डाल देंगे, बिल्कुल जलेबी की तरह हमें इसे गोल गोल चकली बना लेनी है। और कोई कोई क्या करता है, ये चकली ना पेपर के ऊपर गोल गोल राउंड शेप में ले लेते हैं फिर बाद में उसे ऑयल में छोड़ देते हैं, और मैं ऐसा नहीं करती हूँ क्योंकि मेरी माँ बचपन से मैं देखती आ रही हूँ, मेरी माँ ऐसे ही बनाती है, ऐसे गोल गोल पेपर के ऊपर नहीं बनाती है, ऐसे ही ऑयल में डायरेक्ट छोड़ देती है। वो थोड़े से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं मगर मुझे ऐसे ही पसंद है क्योंकि मैं बचपन से यही देखते आ रही हूँ और यही खाते आ रही हूँ, तो मुझे वो गोल गोल राउंड शेप वाले उतने पसंद नहीं है मगर बहुत सारे लोग वैसे ही बनाते हैं। मैं इसी तरह से ये थोड़े से टेढ़े मेढ़े बन जाते हैं, मुझे ऐसे ही पसंद है तो मैंने बना लिए हैं, थोड़े से हाथ से बना लिए क्योंकि थोड़ा सा वो छाछे में ना नीचे की तरफ आटा रह रहा था तो उसी से मैं वो बन नहीं पा रहे थे, तो हाथ से मैंने बना लिए। तो इतने सारे मैंने बना लिए हैं और ये अच्छे से ठंडे हो चुके हैं सारे चकले, तो अब मैं इस डब्बे में भर कर रख दे रही हूँ क्योंकि मैं साथ ही साथ सारे जो भी मैं बना रही हूँ सारे आइटम मैं डब्बे में भर कर रख दे रही हूँ क्योंकि ना बारिश वाले दिन है, नरम पड़ सकते हैं इसीलिए, नहीं तो ऐसे भी चकले ना बहुत कुरकुरे रहते हैं, बिल्कुल नरम नहीं पड़ेंगे, मगर बारिश के दिन है तो हमें अच्छे से डब्बे में रख देना है। और यहाँ पर मैं लड्डू बना रही हूँ सूजी के, तो इसके लिए मैंने आधी कटोरी घी कढ़ाई में ले लिया है। जैसे ही घी गर्म हुआ इसके अंदर मैंने 1 गिलास भर के सूजी डाल दी, सूजी को मैंने धीमी गैस पर रोस्ट कर लिया है। बाद में डाला है ये जो गुजिया मैंने बनाया था, उसका जो स्टफिंग मैंने बनाई थी वो बच गई थी, जो सूखा नारियल काजू बादाम सब है इसमें तो थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने वही इसमें डाल दिया है। क्या होता है हम एक साथ सब कुछ बना रहे हैं तो थोड़ा कुछ बच जाता है तो नुकसान नहीं होता है या रह नहीं जाता है पीछे, तो किसी में किसी यूज़ आ ही जाता है, तो एक साथ बनाने का ये अच्छा फ़ायदा है। दिवाली में भी ऐसा ही होता है, अगर कुछ बच जाता है तो हम किसी ना किसी चीज़ में उसे डाल देते हैं और उसे परफेक्ट बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 गिलास सूजी ले ली थी, इसी हिसाब से मैंने 1 गिलास से थोड़ी सी कम चीनी ले ली है, उसकी मैंने चाशनी एक तारे वाली चाशनी बना ली है। अब हम इसमें ये चाशनी बन चुकी है, अब ये सूजी हम इसमें डाल देंगे इस तरह से डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एकदम नरम ही सूजी के लड्डू बनेंगे इस तरह से मैं बना रही हूँ। तो इसे हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, लड्डू बाद में बना लेते हैं, जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम यहाँ पर शंकरपाली बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 1 कटोरी भर के चीनी ले ली है, आधी कटोरी घी, आधी कटोरी पानी, ये सब कुछ एक साथ डालकर ये चीनी हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, इस तरह से घोल लेंगे। तो चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, अब हम इसमें 1-2 कटोरी मैदा मैंने ले लिया है, ये मैदा इसमें डालकर हम इसे मिलाते जाएंगे। ऐसा करने से एकदम परफेक्ट और एकदम क्रिस्पी हमारी शंकरपाली बनेगी। तो सारा मैदा मैंने इसमें डाल दिया है और मेजरमेंट मैंने आपको बताया है, 2 कटोरी मैदा, आधी कटोरी घी, आधी कटोरी चीनी, आधी कटोरी पानी, ये सब कुछ इसमें डालकर इस तरह से मैंने डो बनाकर ले लिया। इसे ढककर रख देते हैं। अब आ जाते हैं इस सूजी की तरफ। पहले मैंने शंकरपाली का आटा लगाने से पहले आपको बोला था 1 कटोरी चीनी, तो वहाँ पर मैं भूल गई थी, आधी कटोरी चीनी मैंने ले ली थी। तो अब बना लेते हैं लड्डू। तो ये लड्डू का जो हमने मिश्रण बनाकर रख दिया है ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसके लड्डू बनाते जाएंगे। आप देख सकते हो कितने सुंदर लड्डू बन रहे हैं और एकदम नरम बनेंगे लड्डू बिल्कुल। इसी तरह से मैं सारे लड्डू बना लेती हूँ और ज़्यादा नहीं बना रही हूँ, शायद ये 7 से 8 लड्डू बने होंगे क्योंकि बहुत कुछ मीठा बनने वाला है तो बच्चे खा नहीं पाएंगे, फिर नुकसान हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा सब कुछ बना ले रही हूँ मगर थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि गौरी गणेश के भोग में लगने वाला है ये सब कुछ, पहले तो कोई खाता नहीं है, फिर बाद में जब भगवान को भोग लगेगा तभी खाएंगे। और अब दीपावली भी आने वाली है तो थोड़ा थोड़ा ही बना लेते हैं, फिर दिवाली में तो बहुत कुछ बनने वाला है। वो शंकरपाली का आटा भी अच्छे से 1/2 घंटे रेस्ट कर चुका है, आप देख सकते हो एकदम नरम आटा लग चुका है। अब हम इसे इस तरह से बेल लेते हैं थोड़ा सा मोटा आकार में,
अब हम इसके इस तरह से पीसेस बना लेते हैं। इस तरह से त्रिकोण आकार में, चौक आकार में आपको जैसे पसंद हो आप बना लिए। मैंने ऐसे बना लिए हैं। तो इस तरह से सारी शंकरपाली मैंने बना ली है और आज मैं बहुत जल्दबाजी में हूँ क्योंकि आज दिन भर यही काम है मेरे। पहले गुजिया बना ली, फिर बाद में पंची भी बना लिया। आपने पहला वीडियो देखा होगा तो अब उसमें आपने देखा होगा। फिर बाद में मैंने चकली बना ली। यही चलता रह रहा है। लड्डू बने, फिर अभी शंकरपाली बन रही है। ऑयल थोड़ा सा गर्म होने के बाद मैंने गैस धीमी कर दी है। फिर बाद में शंकरपाली सारी इस तरह से तल ली है। एकदम क्रिस्पी एक हमारी शंकरपाली बनी है। तो शंकरपाली तो हमारी बन चुकी है। आप फटाफट से यहाँ पर हम बालूशाही बना लेते हैं। तो इसके लिए पहले मैं आटा लगा लेती हूँ। यहाँ पर 2 कटोरी भर के मैंने मैदा ले लिया है। आज एक ही दिन में मैंने बहुत कुछ बना रही हूँ, बहुत कुछ, और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ अब क्योंकि सुबह से लगी हूँ इन कामों में। तो 2 कटोरी मैंने मैदा ले लिया। इसमें मैंने आधी कटोरी दही डाल दी, एकदम फ्रेश दही है, खट्टी नहीं है। अब डालेंगे आधी कटोरी घी। अब डालेंगे आधा चम्मच बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर डालने से एकदम फूली फूली नरम हमारी बालूशाही बनेगी। और बाद में डाली आधी कटोरी पानी। वही दही की कटोरी थी, उसी से मैंने धुलकर आधी कटोरी पानी इसमें डाल दिया है। और फिर बाद में अभी थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से ये आटा मैंने लगा दिया है। और इसे पूरी की तरह या चपाती की तरह आटा हमें नहीं गूंद लेना है। तो थोड़ा सा इस तरह से तोड़ तोड़ के, जोड़ जोड़ के आटा हमें लगा लेना है। तब जाके हमारी बालूशाही परफेक्ट और लहरदार बनेगी। तो ये आटा अच्छे से लग चुका है। अब हम इसे इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा इस चक्कू से इस तरह से काट लेते हैं ताकि लहरदार हमारी बालूशाही बन जाए। तो इस तरह से इसके पीसेस में कर लेती हूँ और फिर बाद में इसे जोड़ देती हूँ, फिर पीसेस कर लेती हूँ, फिर जोड़ देती हूँ। तब जाके परफेक्ट हमारी बालूशाही बन जाएगी। थोड़ी सी मेहनत लग जाती है मगर परफेक्ट हमारी बालूशाही बन जाती है। अच्छे से इस तरह से गूंद लेंगे और इसकी इस तरह से जैसे हमें जिस साइज में बालूशाही चाहिए, छोटी या बड़ी, उसी आकार में हम ये लोइया बना लेते हैं। तो मैंने इस तरह से बना ली है। तो इस तरह से मैंने बालूशाही बना ली है। आप देख सकते हो मैं ज्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, थोड़ा थोड़ा सा बना रही हूँ क्योंकि मीठे में बहुत कुछ बन रहा है। अभी मुझे लड्डू भी बनाने हैं। तो इतने मैंने बालूशाही बना ली है। बालूशाही बनाकर रख दिया है, ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तब तक ये भी ठंडे हो चुके हैं शंकरपाली, तो इसी पे ने डब्बे में भरकर रख दिया है। अब आ जाते हैं बालूशाही की तरफ। तो ये ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने गैस धीमी कर दी है क्योंकि ऑयल को ज़्यादा गर्म नहीं करना है हमें। धीमी गैस पर हमें तसली से तल लेना है। पहले तो मैंने 5 डाल दिए हैं और हल्के हाथों से इसे उलट पुलट कर देना है। अभी उलट पुलट नहीं कर रही मैं, बस देखिए इस तरह से मैं अब हल्के हाथों से इसे उलट पुलट कर दे रही हूँ। और गैस बिल्कुल धीमी करनी है हमें, फुल गैस पे नहीं बनानी है। तो आप देख सकते हो थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो रहा है। तो हमारी बालूशाही परफेक्ट तल चुकी है। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, 5 मिनट तो लगे हैं इस तरह से बालूशाही का कलर लाने में। तो पहले तो मैंने 5 निकाल लिए, अब तुरंत ही दूसरे छोड़ देंगे क्योंकि गैस थोड़ी सी धीमी है, ज़्यादा ऑयल गर्म नहीं है। इसी तरह से मैंने सारे बना लिए। अब बना लेते हैं चाशनी। तो चाशनी के लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी चीनी ले ली है, आधी कटोरी पानी, 2 कटोरी मैदा था तो उसी हिसाब से मैंने 1 कटोरी चीनी यहाँ पर ले ली है। और इसमें अच्छे से ये चीनी घुल चुकी है और हमें 1 तारी चाशनी बना लेनी है। तो आप देख सकते हो 1 तारी चाशनी बन चुकी है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब ये बालूशाही इसमें इस तरह से डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। अब हमें 1 घंटे तक इसे ऐसे ढककर रख देना है ताकि बालूशाही ये चाशनी सोख ले। तो आधे घंटे के बाद मैंने देखा है तो ये बालूशाही कुछ ऐसी बनी है। इसे अभी थोड़ा सा मिला लेते हैं। और जो चाशनी बनाई थी हमने वो इस तरह से बन चुकी है, आप देख सकते हो। तो मैंने उसे ढककर रख दिया अभी थोड़ी देर। और यहाँ पर आ जाते हैं हम इस आटे की तरफ। ये अनार से काटा है,
आपने पहली वीडियो में देखा होगा, मैं चार दिन से आपको दिखा रही हूँ पूरा प्रोसेस। मैंने चावल कैसे भिगाए हैं, कैसे इसे पीस लिया है, कैसे इसे मिक्स करके मैंने रख दिया है, सब कुछ मैंने पहली वीडियो में बताया है। आप चाहो तो वीडियो देख सकते हो ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए मैंने यह अनारसे का जो आटा है कैसे लगाया है, तब जाके परफेक्ट अनारसे बनेंगी। तो यह अनारसे का आटा मैंने कल ही पीस कर इसमें गुड़ डालकर रख दिया है। 2 कटोरी है चावल का आटा बना था, 1 कटोरी गुड़ मैंने इसमें डाल दिया था, तब जाके परफेक्ट बना है। अब मैंने इसे थोड़ा सा इस तरह से मिक्स कर लिया है, पानी वगैरह कुछ नहीं डाला है। आप चाहो तो थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हो, मैंने कुछ नहीं डाला है। ऐसे आटा अच्छे से बन चुका है। तो मैंने यहाँ पर इसे एक थाली में खसखस ले ली है, फिर बाद में इसे इस तरह से थाप पर खसखस लगाकर फिर मैंने इसे ऑयल में छोड़ दिया है। और ऑयल एकदम हमें ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए, धीमी गैस पे हमें यह अनारसी बना लेनी है। आप देख सकते हो एकदम फूली फूली से एकदम परफेक्ट अनारसी बन रही है। तो आप पहला वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अनारसे का मैंने आटा कैसे लगाया है, बैटर कैसे बनाया है। और एकदम टेस्टी एकदम नरम यह अनारसी बन जाती है और सबको पसंद भी आएगी। तो इसी तरह से मैंने सारी अनारसी बना लेती हूँ। आप देख सकते हो कितने सुंदर यह अनारसे बने हैं। थोड़े से तिल लगाकर बनाए, थोड़े से खसखस लगाकर, क्योंकि मुझे गौरी माता के सामने रखने के लिए चाहिए, तो इसीलिए 2 प्रकार के मैंने बना लिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो 1.5 घंटा हो चुका है, बालूशाही हमारी परफेक्ट बन चुकी है। इस तरह से चीनी चीनी इसके ऊपर लग चुकी है, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो मैंने डब्बे में भरकर इसे रख दिया है।